नमस्कार, फैक्ट चेक में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के जमाने में हर दिन कुछ ऐसी तस्वीरें, वीडियोस वायरल किए जाते हैं जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इस तरह की फैलाई गई खबरों के प्रति थोड़े से जागरूक रहें। आंख मूंद कर उन पर विश्वास बिल्कुल न कीजिए। कई खबरें तो किसी सार्वजनिक हस्ती की इमेज तक खराब कर देती हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोज भी होते हैं जिनका समाज पर गलत असर पड़ता है। खबरों के इसी बारे में जरूरी है कि हम जिन फोटोज या वीडियोज पर संदेह करते हैं उसका फैक्ट चेक एक बार कर लें। आज ऐसे ही कुछ खबरों की हम पड़ताल करेंगे, उसके पीछे का सच आप सबके लिए सामने लेकर आएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उस वायरल तस्वीरों की जिनके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि हाल ही में केरल के एक चर्च में पड़ी ईडी की रेड के दौरान 7,000 करोड़ रुपए का काला धन बरामद हुआ। पड़ताल में आगे वायरल दावे का पूरा सच आपको दिखाएंगे। दूसरी खबर में हम उस वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसके जरिए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मछलियों की बारिश हुई। पड़ताल में इसका सच आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फैक्ट चेक का आज का हमारा सफर। देखिए, सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों का एक कोलाज खूब तेजी के साथ वायरल है। इसे पोस्ट करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि आयकर विभाग ने केरल के चर्च से 7,000 करोड़ रुपए जब्त किए। लेकिन जब वायरल दावे का फैक्ट चेक किया गया तो क्या निकला सच, क्या निकला झूठ, देखिए पड़ताल करते हैं हमारी खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों का एक कोलाज काफी वायरल हो रहा है। बाईं ओर वाली फोटो में एक मेज पर 500 रुपए के नोटों की ढेर सारी गड्डियां दिख रही हैं, जिसके पास मुस्कुराता हुआ एक शख्स खड़ा है। वहीं दूसरी फोटो एक पादरी की है। इसे शेयर करते हुए कुछ यूजर्स ऐसा कह रहे हैं कि हाल ही में केरल के एक चर्च में पड़ी ईडी की रेड के दौरान 7,000 करोड़ रुपए का काला धन बरामद हुआ। साथ ही कुछ यूजर्स ये आरोप भी लगा रहे हैं कि मीडिया ने इस मामले पर कोई खबर न छाप कर चुप्पी साध ली है। एक फेसबुक यूजर ने पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि ईडी ने केरल लिनी बेलोरियन चट से 7,000 करोड़ रुपए की काली कमाई जब्त की है। योहानन नाम का एक विशप इसे चलाता है। अभी तक ये मामला कहीं भी खबरों में नहीं आया है। अगर 7,000 करोड़ छोड़ 7 करोड़ रुपए भी किसी हिंदू स्वामी जी से मिल जाता तो न्यूज चैनल 48 घंटे तक इसी काम में नंगा होकर नाचने लगते। दरअसल सोशल मीडिया पर दो तस्वीरों का एक कोलाज खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसे पोस्ट करते हुए कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि आयकर विभाग ने केरल के चर्च से 7,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर यह दावा खूब तेजी के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल तस्वीरों की सच्चाई क्या है जानना जरूरी हो गया था। लेकिन सर्च के दौरान किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर वायरल दावे से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट हमें नहीं मिली, क्योंकि अगर वाकई एक चर्च से हाल फिलहाल में इतनी बड़ी रकम जब्त की गई होती तो फिर यह खबर हर मीडिया आउटलेट्स पर दिखाई जरूर देती, लेकिन कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसे में हमने वायरल तस्वीरों को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल कि वायरल तस्वीरों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी पुरानी तस्वीर को या फिर पुरानी तस्वीरों को हाल फिलहाल का बताकर अफवाह फैलाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। जान लेते हैं रिपोर्ट के जरिए सच क्या है और झूठ क्या है। कीवर्ड सर्च की मदद से हमें इस बारे में 26 साल 2020 की एक न्यूज रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक 5 नवंबर 2020 को आयकर विभाग ने तिरुवल्ला केरल में स्थित बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च से जुड़े कार्यालयों में छापा मारा था। ये चर्च मेट्रोपॉलिटन बिशप केपी योहानन के नेतृत्व में चलता है। इसके बाद हमें इस मामले से जुड़ी और भी खबरें मिली। दरअसल 5 नवंबर 2020 को आयकर विभाग ने केरल सहित तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़ और पंजाब के 66 कार्यालयों और संस्थानों पर एक साथ छापा मारा था। ये सभी इसी चर्च से जुड़े हुए थे। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि ये छापे इसलिए मारे गए थे क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट टैक्सेस को ये जानकारी मिली थी कि इस चर्च को गरीबों की मदद करने के लिए विदेशों से जो डोनेशन मिलता था वो उसे अपने निजी खर्चे और रियल एस्टेट के लेन देन में इस्तेमाल करता है। ये चर्च कथित तौर पर दान में मिल रहे करोड़ों रुपए पर बिना कोई टैक्स दिए उन्हें अवैध तरीके से खर्च कर रहा था। 6 नवंबर 2020 को वाई सरकार के प्रेस रिलीज के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को कुल 6 करोड़ रुपए मिले थे, जिसमें से
3,85,00,000 रुपए दिल्ली में स्थित एक धार्मिक स्थल से बरामद किए गए थे। इस रेट के बारे में उस वक्त छपी खबरों में वायरल कोलाज के बाईं ओर वाली तस्वीर के साथ साथ छापेमारी से जुड़ी और भी कई तस्वीरें मौजूद हैं। वहीं कोलाज के दाईं ओर वाली फोटो इसी चर्च के मेट्रोपॉलिटन बिशप के पी योहानन की है। इस तरह हमारी पड़ताल से यह साफ हो गया कि न तो यह घटना हालिया है और न ही इस रेट के दौरान 7,000 करोड़ रुपए की राशि जब्त हुई थी। साल 2020 में केरल के बिलीवर्स ईस्टर्न चर्च पर आयकर विभाग की रेट पड़ी थी, जिसमें 6 करोड़ रुपए जब्त होने की बात सामने आई थी। संजना सक्सेना के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल है, जिसे वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में मछलियों की बारिश हुई। गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो क्या सच्चाई निकल कर सामने आई है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो किसी सड़क पर शूट किया गया है, जहां कारों के बीच ऊपर से कई सारी मछलियां गिरते हुए दिख रही हैं। इनमें से कुछ मछलियां जिंदा भी हैं। एक व्यक्ति मछली उठाकर कैमरे में दिखा रहा है। वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मछलियों की हुई बारिश, अब प्रलय आने वाला है। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसे वायरल करते हुए दावा किया जा रहा है कि यूपी की राजधानी लखनऊ में मछलियों की बारिश हुई। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल वीडियो का सच और झूठ क्या है, ये जानना जरूरी था। लेकिन सर्च के दौरान ऐसी कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली, जिससे वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि हो सके। ऐसे में इसके बाद हमने वायरल वीडियो को गौर से देखा और सुना। इस दौरान वीडियो में कुछ आवाजें सुनने को मिली। जब इन आवाजों को गौर से सुना तो साफ हो गया कि ऐसी भाषा लखनऊ में नहीं बोली जाती है। सुनिए आप भी। तो देखा, सुना आपने, मतलब वायरल वीडियो की सत्यता पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसके अलावा वीडियो में कारों के पीछे एक पार्क दिख रहा है, जहां बड़े पत्थरों पर जानवरों के पुतले खड़े हैं। ऐसा कोई पार्क लखनऊ में नहीं है, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल जुड़ा हुआ इससे ये कि अगर दावा सच है तो लखनऊ में मछलियों की बारिश कब हुई। दूसरा सवाल ये कि कहीं किसी और जगह के वीडियो को लखनऊ का बताकर यूजर्स को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इस वीडियो को देखिए, इस रिपोर्ट को देखिए और जानिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। वीडियो के की फ्रेम को रिवर्स सर्च करने पर हमें इसे लेकर छपी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिली। 6 मई 2024 की एक आधिकारिक खबर में बताया गया है कि ईरान के यासूज इलाके में लोग तब सकते में आ गए जब उन्होंने मछलियों की बारिश होते देखी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना था कि यह वीडियो फर्जी है। हमें ऐसी कोई रिपोर्ट भी नहीं मिली जिसमें पुख्ता तौर पर यह बताया गया हो कि यासूज में यह घटना वाकई हुई थी। हालांकि हमने इस बात की पुष्टि जरूर कर ली कि वीडियो यासूज में ही शूट किया गया है। वीडियो में कारों के पीछे एक पार्क दिख रहा है, जहां बड़े पत्थरों पर जानवरों के पुतले खड़े हैं। हमने गूगल मैप्स की मदद से यासूज में इस जगह को ढूंढ निकाला। इस जगह का नाम संगी स्क्वायर है। गूगल मैप्स पर इसकी तस्वीरें मौजूद हैं, जो वायरल वीडियो में दिख रही जगह से मेल खाती है। सर्च के दौरान ये भी जानकारी सामने आई कि जब समुद्र या किसी महासागर से चक्रवाती तूफान गुजरता है तो ये अपने साथ मछलियां, मेंढक, कछुआ जैसे छोटे जीव अपने साथ आसमान में खींच ले जाता है। ये जीव तूफान में तब तक घूमते रहते हैं जब तक हवा की गति कम नहीं हो जाती। जैसे ही गति कम होती है, ये जीव जमीन पर गिरने लगते हैं। हालांकि ऐसी बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, इसे एनिमल रेन भी कहा जाता है। दरअसल 2022 में एक ऐसा मामला तेलंगाना से सामने आया था, जिसमें जगतियाल शहर के लोगों ने भारी बारिश के बीच आसमान से मछलियां गिरने का दावा किया था। ऐसी ही एक घटना अमेरिका के टेक्सास में भी होने का दावा किया गया था।
इस तरह हमारी पड़ताल से यह साफ हो गया कि वायरल वीडियो लखनऊ का नहीं बल्कि ईरान का मई 2024 का वीडियो। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि वहां वाकई आसमान से मछलियां बरसी थी या वीडियो में कुछ फर्जीवाड़ा किया गया है, लेकिन बवंडर आने पर ऐसा होना मुमकिन है। अर्जुन डियोडिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।